Children, see, what you need to do is, whenever you're multiplying any number by 10, 100 or 1000, or in other words, whenever you're multiplying any number by the multiples of 10, so you need to focus on the zero of the multiplier. See, here I have been multiplying 53 by 10. So, you just need to focus on the zero of the multiplier. How many zeros are there in 10? It is 1. So, you just need to write the multiplicand here, 53, and the number of zero in the multiplier. Here you can clearly see that there is 1 zero in the multiplier, that is 10. So, we will be writing 1 zero in the product. We will be adding 1 zero to the product. It's given in your book. To multiply by 10, put 1 zero to the right of the number. That is the shortest method to multiply any number by 10. Okay? You just need to put 1 zero to the right of the number. Okay? See, children, let's now you, whenever you have to multiply any number by 100, again, what you need to do is to multiply by 100, put 2 zeros to the right of the number. You just simply add 2 zeros because there are 2 zeros in 100. So, whenever you are multiplying any number by 100, you'll be just putting 2 zeros to the right of the number. So, what is your multiplicand here? It is 64. Okay? यहाँ पे आपने 64 लिखा और अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका मल्टीप्लायर में 2 जीरोज है, 100 के जो 2 जीरोज है उसको यहाँ पे आप लगा देंगे. ठीक है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. वी आर मल्टीप्लाइंग 271 इनटू 100. सो आपने नंबर लिखा, जिस भी नंबर को आपका जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें आपने ऐड क्या किया, राइट साइड में 2 जीरोज. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट. अब आप थर्ड नंबर पे आएंगे, दैट इज 4568. सो आपने क्या किया, आपने नंबर लिखा और बिकॉज 100 में आपके पास 2 जीरोज होते हैं, तो आपने नंबर में क्या किया, 2 जीरोज ऐड कर दिया. ठीक है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है. लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन आप तभी करेंगे जब आपके पास 100 या 10 या 1000 होंगे, दैट इज आपके पास 10 के मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आप 10 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. जब भी किसी नंबर को अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप जस्ट एक जीरो उस नंबर के राइट साइड में लगा देंगे. क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 10 में सिर्फ 1 जीरो है. ठीक है, सिमिलरली आपके पास 100 में 2 जीरोज हैं, तो आपने नंबर के राइट साइड में 2 जीरोज ऐड कर दिए. नाउ द मल्टीप्लायर फॉर यू इज 1000. आपको किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे. सो टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1000, यू जस्ट नीड टू पुट 3 जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर. अब आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं कि 1000 में 3 जीरोज है. तो हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर के राइट साइड में 3 जीरोज ऐड कर देंगे. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लाइक द मल्टीप्लिकेंट फॉर यू इज 21. सी, एंड आई जस्ट एडेड 3 जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर. ओके, सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 546 इनटू 1000. सो द नंबर फॉर यू इज 546, सो यू विल बी राइटिंग 546, एंड एज यू वर एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट यू हैव टू एड 3 जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर. आपने नंबर लिखा 546 और आपने 3 जीरोज ऐड कर दिए. अब 3 जीरोज क्यों ऐड करें, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज होते हैं. सिमिलरली हियर 9181 एंड हाउ मेनी जीरोज, 3 जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर. दिस विल बी योर प्रोडक्ट.